तो यहाँ पे सिंघाड़ा को छोटे छोटे टुकड़े में कूट लिए हैं। खड़ी सिंघाड़ा लिए थे उसको छोटे छोटे टुकड़े में कूट के थोड़ा धूप में रख दिए थे ताकि जल्दी अच्छे से कूट जाए। तो मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिए हैं। अब उसको छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से छानने से जितना नहीं पीसते रहता वो छन्नी में आ जाता है। तो इतना बचा है तो बाकी के साथ इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह सभी को ग्राइंड करके छन्नी से छान लेंगे। जो लास्ट में छिलका निकलेगा उसको फेंक देंगे। तो वहाँ से छूने से पता चलता है कि हल्का सा दाना दाना है। इसी तरह पीसना है, ज़्यादा चिकना नहीं करना है। तो कढ़ाई गर्म है, इसमें डालें 3 इलायची 4 लौंग। इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि कूटने में आसानी हो। नहीं भूनोगे तो थोड़ा सा शक्कर डाल के कूट लीजिएगा, अच्छे से कूट जाता है। तो यहाँ पे बाउल में नाप के बता रही हूँ, सभी के घर में ऐसे वाले बाउल रहती है। तो बाउल में अच्छे से भर लेती हूँ और भर के एक कटोरी डाल देती हूँ। और जो बचा है उसको छोटी वाली चम्मच में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे 2 चम्मच हुआ है। आपको सारी सामग्री मैं नाप नाप के बता रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट बार बनाई थी तो अच्छे से नहीं बना, बिगड़ गया। तो इसलिए आप लोगों का भी नहीं बिगड़ेगा तो नाप के बता रही हूँ। तो उसी कटोरी में मैं 1 कटोरी शक्कर ली थी, तो कटोरी के बिल्कुल बराबर में था शक्कर। और कूटा हुआ लौंग इलायची और उसी कटोरी में दूध भी डालूंगी। तो यहाँ पे उसी कटोरी में दूध डाल रही हूँ, 1 कटोरी डाली हूँ, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी। उसके बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी गैस पे नहीं चढ़ाए हैं, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे चढ़ा दोगे तो गांठे पड़ जाती है। छोटा छोटा बाउल दिख रहा है, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल थोड़ा बहुत बाउल नहीं है। उसके बाद 1/2 कटोरी और इसमें दूध डाली हूँ, तो पूरा मैं 4.5 कटोरी इसमें दूध डाली हूँ। पानी भी तो बिल्कुल नहीं डाली हूँ, सिर्फ 4.5 कटोरी ही दूध डाली हूँ। उसके बाद गैस में चढ़ा दी हूँ। इसको गैस में रखने के बाद 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ही पकाना है, उसके बाद कम फ्लेम में ही इसको पकाना है। इसको हाई फ्लेम में पकाते रहोगे तो जल्दी जमने लगती है और गांठे पड़ जाती है कहीं कहीं पे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम ही इसको पकाइएगा। थोड़ी बहुत तो मेहनत तो लगती ही है, मेहनत से ही टेस्ट आता है। तो पकाइएगा। इसको पकाने का समय बिल्कुल 20 मिनट लगा मुझे। और कढ़ाई से चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आप लोग ऐसे ही तरह चम्मच चलाते जाइएगा। तो यहाँ पे बहुत ही कड़ा होने लगा है। अब इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, तो बड़े बड़े पीसेस में काटी हूँ। तो बादाम डाली हूँ थोड़ी सी और थोड़ी सी काजू। थोड़ी सी नारियल का बुरादा, जो खोपरा भी बोलते हैं उसको। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी लगा दिए थाली में, तो घी या तेल कोई भी आप लगा सकते हो ताकि चिपके ना।
तो यहाँ पे जब थाली को मैं घी लगा रही थी तो लो फ्लेम में रख दी थी। बर्फी कड़ा कड़ा रहता है तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे और पकाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है अगर कड़ा वाला ही बर्फी चाहिए तो। लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि जमने लगता है तो बहुत ज़्यादा चम्मच चलाना पड़ता है। यहाँ पे मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। सिंघाड़ा कढ़ाई पे छोड़ने लगेगा तो मानो कि अच्छे से पक गया, तो यहाँ पे अच्छे से पक भी गया है, कढ़ाई पे छोड़ने लगा है। अब थाली में जमाने के लिए रखूंगी। तो यहाँ पे चम्मच में घी को हल्का सा लगाने से नहीं चिपकता, तो बस चम्मच की सहायता से सब तरफ फैलाते जाऊंगी। पानी हो या घी हो, थोड़ा सा हल्का सा डीप चम्मच को डीप करके सभी तरफ फैलाते जाना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। ऐसे ही जम गए हैं, बट फ्रिज में रखने से और अच्छा से जम जाएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं, फ्रिज से निकाल दिए हैं, बहुत अच्छे से जमा है। अब इसको काट दूंगी। अभी इसको बाउल में सजा दूंगी। तो बहुत अच्छे से जमा है और बहुत अच्छा दिख रहा है। एक एक पीस खाने से ऐसे अच्छे से जमा रहता है, तो पीस खाने से बहुत अच्छा लगता है। आप इसको फ्रिज में 2 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो, कुछ नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा सजाने के लिए नारियल की बुरादा हल्का हल्का से छिड़क रही हूँ, और ड्राई फ्रूट है, बादाम है, काजू है, किशमिश, उससे मैं सजा रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे सिंघाड़ा का रेसिपी, आप लोग ज़रूर बताएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।